टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थाने शहर की चितलसर पुलिस ने घरों से भूत पिशाच भगाने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस ने इन पर एक लड़के के साथ लैंगिक अत्याचार के मामले यानी कि पॉक्सो के तहत भी मामला दर्ज किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम है कुलदीप, प्रदीप निकम, किशोर नवले, स्नेहा शिंदे। ये तीनों लोग मिलकर एक संस्था और एक YouTube चैनल चलाते थे, जिसमें ये दावा किया करते थे कि किसी के भी घर में अगर भूत पिशाच है तो वो भगा सकते हैं। और इनके इस दावे को लोग सही मानकर इन्हें लोग बुलाते भी थे। और भूत पिशाच भगाने के नाम पर ये लोग किसी से लाख तो 2 लाख या 25 या 50 हज़ार लेकर घोष डिटेक्टर मशीन, जानवरों की खाल, त्रिशूल, नाइट विजन कैमरा का इस्तेमाल कर घरों से भूत भगाने का दावा करते थे, जबकि ये सब पाखंडी और सिर्फ ढोंग करते थे और लोगों से पैसे ऐंठ कर चले जाते थे। इसी तरह से भूत पिशाच भगाने के चक्कर में इन लोगों ने एक लड़के के साथ लैंगिक अत्याचार भी किया, जिसके बाद पुलिस ने इन पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया है। बहरहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से 6.5 लाख रुपए के सामान, नाइट विजन कैमरा, त्रिशूल, जानवरों की खाल, घोस्ट डिटेक्टर मशीन, अन्य उपकरण बरामद किए हैं। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां तीनों आरोपियों को 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। चितलसर पुलिस स्टेशन में हमने 13 मार्च को एक ऑफेंस रजिस्टर किया था, CR नंबर 59/22, ब्लैक मैजिक एक्ट तथा पॉक्सो और IPC के विविध कलम के अंतर्गत ये ऑफेंस रजिस्टर किया गया था, जिसमें जो तकरारदार है, जो कंप्लेनेंट है, उसने अपने भाई के खिलाफ ये कंप्लेंट दी थी कि उसके भाई ने अघोरी कृत्य करने के इरादे से, ब्लैक मैजिक करने के इरादे से उसके बेटे के साथ लैंगिक छड़ किया है, लैंगिक अत्याचार किया है, इसीलिए पॉक्सो के तहत भी ये गुनाह दाखिल किया गया था। अभी तक हमने इस ऑफेंस में 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। जो आरोपी के नाम है कुलदीप, प्रदीप निकम, पोखरण रोड नंबर 2 वर्तक नगर थाने, किशोर नवले विक्रोड़ी मुंबई, और स्नेहा शिंदे पोखरण रोड नंबर 2 वर्तक नगर थाने। ये तीनों आरोपियों के हमने अरेस्ट किया है। इनको 10 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। अभी तक जो तफ्तीश की है उसमें ये पता चला है कि ये व्यक्ति जो है अपने इन साथीदारों की मदद से एक YouTube चैनल चलाता था और एक जिसका नाम था पैरानॉर्मल रेस्क्यू सोसाइटी, और एक संस्था थी जिसका नाम दत्त प्रबोधिनी संस्था। इस नामक संस्था के माध्यम से वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। वो ये क्लेम करता था कि वो भूत और पिशाच को कंट्रोल करता है, उनके ऊपर अगर वो उनका घर में वास्तव है तो उनको भगाता है और या फिर उनको निकाल देता है। जो YouTube चैनल में उसके जो वीडियोज़ हैं, लगभग 8-10 वीडियोज़ हैं, उसके लगभग 1.5 हज़ार से ज़्यादा, 1.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। उसके माध्यम से वो चैनल, वो वीडियोस में कुछ घरों में उसने घोस्ट या भूत पिशाच को कंट्रोल किया है ऐसा क्लेम करता था, कुछ वीडियोस दिखाता था। इसमें फंस के लोग उससे कांटेक्ट में आ जाते थे। कांटेक्ट करने के बाद वो बोलता था कि मैं साइट विजिट करूँगा, और वो साइट विजिट के लिए 30-40 हज़ार रुपये लेता था, और फिर बाद में इन सारे आर्टिकल्स का उपयोग करके उनके ऊपर इस तरह से वो ये जमा देता था, धोस जमा देता था या इन्फ्लुएंस कर देता था कि वो उनको लगता था कि ये सच में एक भूत पिशाच को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति है, कोई बड़ा तांत्रिक है, और उसके लिए फिर वो उसके बाद में 3-4 लाख रुपए भी ऐंठ लेता था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें RF फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर है सिंपल, बट अगर इसको ऑन करके देखें तो एक आवाज़ आती है। ऐसे चीज़ों को देख के लोग अक्सर उसमें इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और फिर बाद में उनको अपने पैसों को गंवाना पड़ता है। सर, इस मॉडस ऑपरेंडी में कितने लोग शामिल हैं? अभी तक हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है, बाकी और कोई लोग इसमें शामिल है या नहीं इसकी अभी तफ्तीश जारी है। सर, इसमें कितने लाख का मुद्देमाल जब्त किया गया है?
अभी तक जो ये हमने मुद्देमाल जब्त किया है, लगभग 6.5 लाख का मुद्देमाल है, जिसमें 3 लैपटॉप्स है, 1 सैमसंग टैब है, 2 मोबाइल्स है, 2 GoPro कैमराज हैं, 3 ड्रोन्स है इस तरह के, एक नोट की काउंटिंग मशीन है, घोस डिटेक्टर, हैंडी वॉइस रिकॉर्डर, एंटी स्पाई डिटेक्टर, बाइनोकुलर्स, इस तरह अनेक इलेक्ट्रॉनिक और नॉन इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल्स। सर लोगों को क्या आह्वान करेंगे? आपके माध्यम से मैं ज़रूर ये अध्ययन मैं आह्वान करूंगा कि जो आरोपी हमने पकड़ा है अभी तक इस व्यक्ति से जो फंसे गए हैं वो अभी तक हमारे यहाँ सामने नहीं आए हैं। इस आरोपी का नाम है कुलदीप निकम और उसके साथ साथीदार है किशोर नवले और स्नेहा शिंदे। आप में से कोई अगर इसमें फंसे हैं, जिन्होंने आपको भूत पिशाच निकालने के नाम से अगर आप पैसे ऐंठे गए, तो आप चितरसर पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट कीजिए, आपकी जो कंप्लेंट लेके उसके ऊपर कायदे से कार्रवाई की जाएगी। सर एक बात समझना है कि जो नोट गिनने की मशीन और कैमरे वगैरह लगा, नोट गिनने की मशीन कितना नोट इनसे लेता था कि इसका नोट पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? नहीं, अक्सर होता यह है कि गरीब लोग जाते हैं तो उनके पास छोटे नोट होते हैं, छोटे डिनोमिनेशन के नोट होते हैं। अगर वो 25,000 भी या 30,000 भी मांगता है तो उसके पास 10, 20, 25 के डिनोमिनेशन, तो गड्डियाँ ज़्यादा होती है शायद उसके लिए है। कितने बैंक अकाउंट सीज किया गया और गाड़ियां भी सीज की गई है, तो उसके बारे में क्या? उनका एक बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है और जिसमें लगभग 5 लाख रुपए अभी है वो फ्रीज किया गया है। एक गाड़ी है इनोवा, जो गाड़ी है वो फ्रीज जो हमने सीज की है, उसके अलावा और 3-4 हाई एंड व्हीकल्स हैं ऐसे पता चल रहा है, वो भी हम सीज करेंगे।